नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय यात्रा पर भूटान पहुंचे। भारत और भूटान ने आपसी हित के अनेक समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका वापस ली। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में रीयूजेबल प्रक्षेपण यान पुष्पक की सफलतापूर्वक लैंडिंग। आज विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार सतत जल प्रबंधन की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध। और क्रिकेट में चेन्नई में आईपीएल 2024 के उद्घाटन मैच में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। दोपहर समाचार के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। भारत और भूटान ने अपनी साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आज आपसी हित के अनेक समझौतों का आदान प्रदान किया। भारत और भूटान के बीच इन समझौतों से संबंधित दस्तावेजों का आदान प्रदान थिम्पू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे की मौजूदगी में किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के दौरान विकासात्मक साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई मिलेगी। मौजूदा समय में भूटान के क्षमता विकास में भारत तेजी से जुटा हुआ है और यहां की कई परियोजनाओं में सहायता प्रदान कर रहा है। इसमें जल विद्युत, डिजिटलीकरण, वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भूटान को एक स्मार्ट, कनेक्टेड और समावेशी समाज बनाने में सक्षम बनाने के लिए भारत कई डिजिटल कार्यक्रमों में सहायता प्रदान कर रहा है, जिसमें ई बिजनेस, नेशनल सिंगल विंडो, भूटान इंटीग्रेटेड टैक्सेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिटीजन सर्विसेज एंड डिजिटल स्कूल जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री दो दिन की भूटान यात्रा पर आज सुबह थिम्पू में पारो हवाई अड्डे पहुंचे थे, जहां भूटान के प्रधानमंत्री ने उनका गर्मजोशी के साथ पारंपरिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री थिम्पू में ग्यासुएन जेसुएन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। ये अत्याधुनिक अस्पताल भारत की सहायता से बनाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति घोटाला मामले में सर्वोच्च न्यायालय से अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध दायर की गई याचिका वापस ले ली है। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता के कविता की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के सुनवाई करने से इंकार करने के कुछ घंटों बाद यह फैसला आया है। के कविता को पिछले सप्ताह इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। के कविता मामले की सुनवाई करने वाली पीठ को ही अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले से जुड़े दिल्ली शराब नीति घोटाले में श्री केजरीवाल का नाम लिया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के 9 समन नजरअंदाज किए हैं, जबकि उन्हें इनका सम्मान करना चाहिए था। श्री पात्रा ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि ये समन अवैध हैं और वो जांच एजेंसी के सामने उपस्थित नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि पार्टी के शीर्ष नेताओं को झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है। आतिशी ने आरोप लगाया कि श्री केजरीवाल को एक ऐसे मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 वर्ष की जांच के बाद 1 रूपया भी बरामद नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया है कि केन्द्र सरकार प्रवर्तन एजेंसियों का दुरूपयोग कर रही है और कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी तथा अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के कारण दिल्ली विधानसभा का आज होने वाला विशेष सत्र रद्द कर दिया गया है। सदन की अगली बैठक 27 मार्च को होगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी कोलकाता में शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में आज सुबह से राज्य के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के बोलपुर स्थित आवास पर छापेमारी कर परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। इसके अलावा ईडी कोलकाता में चेतला, लेक टाउन और बिराती सहित 5 स्थानों पर भी तलाशी ले रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम।
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पल में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू और कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट से कल 2 उम्मीदवारों ने 19 अप्रैल को होने वाले आम चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉ जितेंद्र सिंह और प्रेमनाथ ने रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में नामांकन पत्र जमा किये। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार पूरी तरह से प्रचार अभियान में शामिल हो चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख नेता और महासचिव अभिषेक बंदोपाध्याय आज पूर्व बर्धमान जिले के कटवा में एक सार्वजनिक रैली में भागीदारी करेंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सुकांतो मजुमदार अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बालूरघाट की जनसभा में भागीदारी करेंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के बरहामपुर में एक प्रचार अभियान में भागीदारी करेंगे। कांग्रेस ने कल पश्चिम बंगाल में अपने 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। लोकसभा चुनावों की हमारी श्रृंखला में आज हम महाराष्ट्र के बारे में विवरण प्रस्तुत करेंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट हैं, जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक हैं। इनमें से 5 सीट अनुसूचित जाति के लिए, 4 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष प्रमुख पार्टियों में फूट के कारण महाराष्ट्र में चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव पहले 5 चरणों में 19 अप्रैल से 20 मई 2024 के बीच होंगे। पहले चरण में रामटेक, नागपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली चिमूर और चंद्रपुर निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होंगे। इन सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के साथ दूसरे चरण में अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव भी होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, डॉक्टर भारती पवार और कपिल पाटिल शामिल हैं। कांग्रेस ने कोल्हापुर सीट से शाहू शाहजी छत्रपति समेत 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। शिवसेना यूबीटी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस ने साजिद खान पठान को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी 23 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि शिवसेना को 18 सीटें मिली थी। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह कर्नाटक में चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज पर अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक की सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक संदेश में अंतरिक्ष यान के पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड में संचालन, लैंडिंग और ईंधन प्रबंधन के लिए टीम को बधाई दी। एक रिपोर्ट। चेल्लाकेरे में आज इसरो द्वारा दोबारा इस्तेमाल योग्य अंतरिक्ष यान का दूसरा प्रयोग यशस्वी रहा। अंतरिक्ष यान पुष्पक द्वारा पूर्व निर्धारित योजना के तहत अपना कार्य सुनिश्चित किया। यान में लगे सभी रडार, नेविगेशन सिस्टम, सेंसर, ब्रेक, पैराचूट, लैंडिंग गियर ने सुयोजित ढंग से काम किया, जिससे यान अपनी गति कम करते हुए रनवे का सही अनुमान लगाते हुए हवाई जहाज की तरह उतर पाया। ऊंचाई और तेज रफ्तार का अनुमान लगाते हुए जब 6.5 मीटर लंबा यान रनवे पर उतरा तो इसरो विज्ञानी खुशी से झूम पड़े और एक दूसरे को बधाई दी। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। इसरो ने अंतरिक्ष यान RLV LEX-02 की सफल लैंडिंग के साथ नेविगेशन नियंत्रण प्रणाली, लैंडिंग गियर और गति को कम करने वाली प्रणालियों के क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को एक बार फिर से स्थापित किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पुष्पक की सफल लैंडिंग पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों का समर्पण और नई सोच सराहनीय है और इससे देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई ऊंचाई हासिल करने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
आज विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। स्वच्छ जल के महत्व को देखते हुए यह दिन हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस लोगों, संगठनों और सरकारों को पानी से संबंधित तत्काल चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मंच पर लाता है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिन शैक्षिक कार्यक्रमों और समुदाय संचालित अभियानों के माध्यम से सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता सुनिश्चित करने का प्रयास है। इस वर्ष जल दिवस का विषय समृद्धि और शांति के लिए जल है। ये दुनिया भर में सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देने में पानी की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। इस वर्ष विश्व जल दिवस सभी की पानी तक समान पहुंच सुनिश्चित करने और शांति स्थापना के लिए एक माध्यम के रूप में पानी को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग का आह्वान करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यावरण और विकास पर 1992 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की सिफारिशों के बाद 1993 में 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में घोषित किया था। समाचार कक्ष से सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार स्वच्छ जल प्रबंधन की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज विश्व जल दिवस पर श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और सरकार इस बहुमूल्य संसाधन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना है। पानी का मूल्य वो समझता है जो पानी के अभाव में जीता, वही जानता है एक एक बूंद पानी जुटाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती। मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट आज तमिलनाडु के चेन्नई में शुरू होगा। इस सीजन का शुरुआती मैच पिछली बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा। क्रिकेट के प्रशंसक इस स्पर्धा में एमएस धोनी और विराट कोहली को एक दूसरे के विरूद्व खेलते हुए देखने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के प्रशंसकों को कल एक बड़ा झटका लगा जब टीम ने अनुभवी खिलाड़ी महेंद्र सिंह की जगह नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के नाम की घोषणा की। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज रात किदांबी श्रीकांत का सामना ताइवान के चिया हाउ ली से होगा, जबकि किरण जॉर्ज का मुकाबला डेनमार्क के रास्मस गेमके से होगा। इसी वर्ग में प्रियांशु राजावा ताइवान के टी एन चेन चाऊ से खेलेंगे। बिहार आज अपना 112वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1912 में बंगाल से अलग कर बिहार राज्य का गठन किया गया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बिहार के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को बधाई दी है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बिहार भारतीय संस्कृति और शिक्षा का ऐतिहासिक केन्द्र रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग अपनी दृढ़ता, कर्तव्यपरायणता और बलिदान के लिए जाने जाते हैं। बिहार के लोगों ने देश और विदेश में अपनी विशेषताओं के कारण अपनी जगह बनाई है। होली के त्यौहार 25 मार्च के दिन रैपिड मेट्रो और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर दोपहर 2:30 बजे तक सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार सभी लाइनों पर टर्मिनल स्टेशनों से सेवाएं दोपहर 2:30 बजे शुरू होंगी, उसके बाद सामान्य रूप से जारी रहेंगी। होली के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे 93 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन कर रहा है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार देशभर में 540 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल 219 अतिरिक्त गाड़ियां चलाई जा रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर भूटान पहुंचे। भारत और भूटान ने आपसी हित के अनेक समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका वापस ली। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में रीयूजेबल प्रक्षेपण यान पुष्पक की सफलतापूर्वक लैंडिंग। आज विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा सरकार सतत जल प्रबंधन की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध। और क्रिकेट में चेन्नई में आईपीएल 2024 के उद्घाटन मैच में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।